सभी का नमस्कार। जैसे कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ COVID-19 मैंने सभी बच्चों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था, जो एक स्टिल लाइफ कैसे शेडिंग के माध्यम से मैं सिखाने की कोशिश किया था। दैट वॉज माई चैप्टर वन, फर्स्ट चैप्टर। इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन we're going to learn something about watercolor, its process and its implementation. एक watercolor कैसे use किया जाता है objects के ऊपर और through landscapes, हम लोग इसका कोशिश करेंगे इस video के माध्यम से। Hope you'll enjoy it. Watercolor is the actually watercolor is the best medium in art education. And it is considered as the toughest medium through which we can depict an art. ये एक tough medium इसलिए है क्योंकि water color में आप retaking का कुछ chances नहीं है। Actually there are two types of two techniques of doing water color. First is your transparency, and second is your opaque. There are two techniques of doing watercolor. Actually, there are lots of watercolors available in the market, but I'm going to use the artist watercolor. I'm going to show you. This is the packet of artist watercolor. ये इसका इफेक्ट बहुत इफेक्टिव है और अच्छा वर्क में भी आता है। तो होप यू विल लाइक इट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वाटर कलर स्टील लाइफ फ्लावर पॉट। सो वेन एवर यू ड्रॉ एनीथिंग इन वाटर कलर इट शुड बी वेरी लाइट, लाइटली ड्रॉइंग करेंगे। बिकॉज आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ वाटर कलर क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और आप लाइटली ड्रॉ नहीं करेंगे तो जो पेंसिल्स का लाइन्स है इट वुड बी विजिबल। तो हम एक नॉर्मली एक फॉर्म देके इसको भी रख देते हैं। जब डिटेलिंग करेंगे वाटर कलर का तो इट विल बी विजिबल। This must be drawing enough. I'm going to start. It's वाटर कलर जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग हमेशा लाइट कलर्स यूज करेंगे और कोशिश कीजिएगा हमेशा टॉप से करने के लिए। आपको नीचे करने में दिक्कत ना हो, बस कलर्स विल फ्लो। तो फॉर अ टाइम भी आपको सिखाने के लिए मैं एक लैपटॉप में, मेरा पुराना एक काम था ये
जो कि ऑयल में किया हुआ था उसी को ही मैं लैपटॉप से देख देख के बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्क डन इन ऑयल कलर, नाउ आई एम ओनली शोइंग यू इन वाटर कलर।
actually very So here we come to an end of the second chapter of doing a watercolor still life. Hope you like it, and we'll be doing lots of watercolor in the third chapter. That would be my landscape painting in watercolor. Hope you enjoy it. Thank you.